गढ़ी किया हुआ है। चित्राना जी, क्या नाम है आपका? आप प्लीज अपने ऑडियो को म्यूट रखिए। चित्तरंजन। चित्रंगन जी, हाँ ऑडियो जरा म्यूट रखिए। अब मैं आपको मेरे स्क्रीन को शेयर करता हूँ। इसको आप लोग अपने एंड से देख सकते हैं इसको, और आप लोग इसको नोट भी बना सकते हैं। वैसे मैं प्रयास करूँगा ये PDF भेजूँ, लेकिन मेरे से ये भेजा नहीं जा पा रहा है। तो आप लोग अगर मुझे सिखाएंगे इसको, गूगल डॉक में मैंने बनाया था ये, आप लोग मुझे सिखा दीजिएगा कि इसको कैसे आप लोगों को भेजना है, तो वो मैं कर दूंगा। ये सारा मैंने लिखा हुआ है, वो मुझे बाद में आप लोग सिखा दीजिएगा। तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने जो बनाया हुआ है। चलिए, सबसे पहले हम धन्वंतरि भगवान को स्तवन करेंगे, नमस्कार करेंगे, और हमारे जो आयुर्वेद के आचार्य चरक है उनको भी हम नमस्कार करेंगे, हमारे जो इष्ट देवता है उनको भी हम आह्वान करेंगे, नमस्कार करेंगे, और हमारे जो महर्षि है, जो महर्षि जब इस दुनिया में मानव सभ्यता का उदय हुआ, मानव सभ्यता का जब इस दुनिया में उदय हुआ, उससे पहले अथवा उन दिनों में जब चल रहा था, जब दुनिया में लोग जब चल रहे थे, उनके खाने पीने आदि ये जो एक्टिविटीज है वो तो सारी चीज़ें वो चल रहा था उन दिनों में, ये जो आपने चरक नाम तो सुना होगा, ये जो चरक नाम जो जो ऋषि जिन्होंने आयुर्वेद का संपादन किया, संस्कृत किया चरक, चरक ने, उनका नाम चरक इसीलिए पड़ा क्योंकि वो चरई वेति, वो घूमते रहते थे, इधर से उधर चलते रहते थे। तो उस समय जितने भी लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे या दूसरे भी लोग, वो घूमते रहते थे, एक जगह में स्थिर नहीं रहते थे। तो जिस प्रकार से प्रकृति का भी नियम है कि वो चलायमान है, संसार का अर्थ यही होता है कि संसार जयति थी संसार, जो चलायमान है, जो सरकता है, जो खिसकता है, जिसमें परिवर्तन होता है, वो संसार है। उस होने वाले परिवर्तन को, उस चलायमान इस दुनिया को, जहाँ भी स्थिरता मिलती है, जहाँ रुक जाता है, रुकने की जैसी कंडीशन होती है, वहाँ पर व्याधि उत्पन्न होता है, वहाँ दिक्कतें होती हैं। जैसे हम देखते हैं कुआं, पानी को निकालते रहो तो बड़ा मीठा पानी दिखाई देता है, जिस दिन आप उसको बंद करके छोड़ दोगे, कुआं के पानी कुछ ही दिन के बाद बदबू आना शुरू हो जाएगा। सारा दुनिया का यही नियम है। तो मानव सभ्यता जब शुरू हुआ, कहते हैं हमारे यहाँ दक्ष प्रजापति नाम के एक राजा हुए, सबसे पहले दक्ष प्रजापति जब राजा हुए, उससे पहले जो कुछ भी चल रहा था इस दुनिया में, वो सभी ऐसे ही थे, चरक थे, यानी कि वो सब चलते थे, स्टेबल नहीं था उनका, न तो कोई गांव था, न कोई शहर बना हुआ था, कुछ नहीं था उस समय। कहते उस समय लोग बड़े स्वस्थ थे, खुशी थे, शरीर में कोई व्याधि, किस चिड़िया का नाम है किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि जिन कारणों से शरीर में रोग हो सकता है वो कारण के संपर्क में कोई थे ही नहीं। ताजा पानी पीना है क्योंकि स्टोर करना उनको आता नहीं था, ताज़ा वनस्पतियाँ कलेक्ट ला करके खाना है क्योंकि वनस्पति को रखने की सुविधा उनमें था नहीं, अनाज को स्टोर कैसे किया जाए उसका तरीका उनको नहीं मालूम था। कहते इस स्थिति को, इस अवस्था को यायावर संप्रदाय, यायावर अवस्था बोलते हैं, लिखिएगा जरा, उस अवस्था को यायावर बोलते हैं, यायावर, यायावर को खत्म किया है हमारे प्रजापति ने। प्रजापति जब हुए तो प्रजापति जो है, जब ये प्रजाओं के पति यानी मालिक जब हुए, तो इन्होंने एक सभा बुलाया, फिर इन्होंने गांव का, नगर का, शहर का, बस्ती का निर्माण किया, और उसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया, चीज़ें उनको मालूम पड़ता गया, बहुत सारे जो है बुद्धिजीवी हुए, बहुत सारी चीज़ें निकलता गया, जो विलुप्त था उसको जागृत किया गया, चाहे वो वस्तु हो, चाहे कोई विषय हो, चाहे कोई ज्ञान हो, ये तो है तो अनवरत, ये कभी नष्ट होने वाला है नहीं, लेकिन उसको जागृत किया गया। मगर अब चीजें कलेक्शन, अब उस समय क्या है, वनस्पति के जो वृक्ष के जो फल है, ऋतुओं के हिसाब से जो मिलता है उसको खाते। अब आप सब लोग जानते हैं आयुर्वेद में ऋतु परिचर्या में हम ये पढ़ते हुए आए हैं पहले, कि जिस ऋतु में जो वनस्पति, जो फल, जो भी अन्न
उत्पन्न होता है उस ऋतु के लिए वो बेहद अच्छा है, मगर दूसरे उसके विपरीत ऋतु के लिए वह अन्न अच्छा नहीं है। इसके संदर्भ में ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये सारी चीज़ें उनका होता था अच्छा। लेकिन प्रजापति ने जैसे ही लोगों को समझाया कि भाई इतना मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है, आराम से बैठो और एक एक सभ्य नागरिक बनो, स्टोर करो 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इकट्ठे ही लेकर के रख लो। उसके बाद बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं तैयार हुई और फिर स्टोर हुआ, लोग आलसी होते गए और जो सुरक्षित स्टोर हुए जो अन्न है उसके अंदर दोष प्रकोप दोष पनपने लगा, वही चीज़ें खाए तो पदार्थ में दोष उत्पन्न हो गया, वही पदार्थ शरीर के अंदर गया तो उसने धातुओं को विघ्न किया, विकृत हुआ धातु, और वही रस आदि जो धातु है दोष है एकदम बिगड़ने लग पड़े, कई सारे लोग वहाँ बीमार हो गए। जब लोग बीमार हुए तो बहुत सारे जो धौम्य आदि जो ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गर्ग, आचार्य, ये सारे बड़े परेशान हो गए, यार ये समस्या कहाँ से आ गया, कई सारे वायरस आ रहे, कई सारे इस तरह शरीर को इन्फेक्टेड करने वाली चीज़ें आ रहा है, कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जरा ये चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 1, 7 और 6 वाला सूत्र इस संदर्भ में बहुत अच्छा यहाँ ये बताते हैं। विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवासाध्ययना ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तदा भूतेष्वनु क्रोशं पुरस्कृत्य महर्षयः समेतः पुण्यकर्माणा पार्श्वे हिमवता सुबे। कितना अच्छा इन्होंने यहाँ बताया है। जब इन्होंने देखा कि यार ये सारे रोग पता नहीं कैसे बन गया, इससे पहले तो था ही नहीं, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को कुष्ठ रोग हो रहा है, किसी को प्रमेह हो रहा है, किसी को मूत्रकृच्छा हो रहा है, तमाम तरह के अलग अलग रोग, विघ्न भूता, विविध प्रकार के जीव के ऊपर विघ्न होने लगा। यदा रोगा प्रादुर्भूता, यदा यानी जब रोगा यानी बहुत सारे रोग प्रादुर्भूता उत्पन्न होने लगे शरीरिणाम इंसान के शरीर में, तो तप उपवास अध्ययन जो हिमवतः पार्श्वे हिमालय के क्षेत्र में कभी न खत्म होने वाला तपस्या में बैठे हुए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, इनको बड़ा फिक्र होने लगा लोगों के प्रति, ये क्या हो गया, कैसे ठीक करें इनको, सारा का सारा दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि समेतः पुण्य कर्माणा, वो सभी क्या कैसे थे, पुण्य कर्माणा, वो सभी अपने अपने पूर्व जन्म में किए पुण्य के प्रताप से जीने वाले लोग थे। जो पुण्यात्मा लोग होते हैं खुद के दुख से उतने दुखी नहीं होते जितने कि वो किसी औरों के दुख से दुखी होते हैं, तो ऐसे पुण्य कर्माण, ऐसे समेता समस्त पुण्य कर्माण, पुण्य करने वाले जो संत है, जो तपो उपवास अध्ययन तपस्या में लीन थे, उपवास में बैठे हुए थे, अध्ययन वेद आदियों का अध्ययन कर रहे थे, ब्रह्म तत्व को जानने के लिए जो जिज्ञासु थे, ब्रह्मचर्य का जो पारायण करने वाले थे, विविध प्रकार के व्रत, और अपने आयुष अपने दीर्घ उम्र होने का ऐसे संकल्प लेकर के जो संत बैठे थे, वो सबके सब एकत्रित हुए और उन्होंने कहा एक दूसरे को कि महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। एक किसान आया, कहता है कि अब एक व्यक्ति आया जो कि सामान्य वर्ग था, किसान वर्ग का था, कहने लगा कि महाराज कैसे किसान के काम कर पाएंगे, प्रजापति महाराज ने तो व्यवस्था अच्छा बनाया लेकिन हम वो व्यवस्था को कैसे कर पाएंगे, क्योंकि दम फूलने लग गया, अस्थमा हो रहा है, हार्ट पेशेंट हूं मैं, तो कैसे करें। कुछ शिक्षक वर्ग आए, कहते महाराज कैसे पढ़ाए, क्योंकि मन में तामसिकता उत्पन्न हो रही है, हमारे से वेद का याद नहीं हो रहा है, वेद के ऋचाएं हम भूलते जा रहे हैं, विस्मृति खत्म हो रही है, स्मृतियां नष्ट हो रही है। और कुछ संत आए जो हिमालय से बैठे हुए थे, कहने लगे तप उपवास, तपस्या करने हमारा भंग हो रहा है, तप नहीं हो रहा है, उपवास हम प्रॉपर नहीं कर पा रहे, शरीर शुद्धि नहीं हो रहा है, अध्ययनशील जो ब्रह्म तत्व के चिंतन करने वाले, अध्ययन करने वाले
महापुरुष आए कहने लगे, महाराज हमारा तो बुरा ही हाल हो गया, ध्यान लगता ही नहीं है जीव के ऊपर, भगवान के ऊपर, क्या करे। तो ऐसे में सभी लोग एकत्रित हुए और यहाँ पर एक वशिष्ठ, विश्वामित्र और ऐसे बहुत सारे जो आयुर्वेद को भी जानते थे, कुछ हम लोग चरक में अभी पढ़ते हुए आए हैं, कुछ योग को अच्छे जानने वाले, कुछ वेद पुराणों को अच्छे पारंगत थे, जानने वाले थे, वो सबके सब एकत्रित हुए। और उसके बाद इन्होंने कैसे जीवन जिया जाए, इस रोग से कैसे मुक्ति मिले, इस दिशा में ये सब के सब लोग सोचने लगे। कहने लगे यहाँ पर उस वहाँ पर बहुत सारे बातें हुई, अलग अलग रोग अलग अलग संदर्भ में बातें हुई, तो यहाँ पर प्रसंगवश शब्द निकला कि हमें आयुर्वेद सीखना चाहिए, सीख करके आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी चाहिए। पूरा आयुर्वेद सिखा गया और उसके बाद व्याख्यान हुआ कि महाराज आयुर्वेद है क्या चीज, आयुर्वेद किसको बोलेंगे, क्या चीज है, किसको कहेंगे आयुर्वेद, आयुर्वेद किस चीज का नाम है। तो कहते शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु। अब ये सूत्र आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग प्लीज इस सूत्र को याद रखिए, इसको नोट करिए, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु। अब आप लोग आयुर्वेद को क्या समझते हो, अभी तक क्या मानते हो, क्या आप अगर ये सोचते हो कि सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों को कलेक्शन करके रोगी को पिलाएंगे वही आयुर्वेद है, या कोई लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे, तो बेसिकली आयुर्वेद इसी चीज का नाम है। आयु यानी शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु, चरक ये बोलते थे सूत्र स्थान में। स्पष्ट बताया कि महाराज किसी को सिर्फ दवाई देना आयु आयुर्वेद नहीं है, उस आयु को वेद यानी जानना ही आयुर्वेद है। यह आयु को जानने की व्यवस्था है, किसी व्यक्ति के आयु कितना है, अभी कितना है, अभी इसकी आयु की क्या कंडीशन है। तो देखिए जरा चरक क्या बोलते हैं आयु के बारे में, यही है आयु, इसी को आयु बोलते हैं। शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो इति आयु, शरीर इंद्रिय सत्व कहते हैं मन, आत्मा यानी आत्मा, इनका संयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपस में मिल करके जब तक काम करते हैं शरीर में, जितने दिन तक काम करते हैं उतने दिन तक जो शरीर चलता है उसको कहेंगे आयु, यही शरीर का आयु है। बेसिकली शरीर एक सजीव व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है सिर्फ, उतने को हम शरीर नहीं कहते। शरीर का मतलब होता है हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, और वो कोशिकाएं जिन जिन अणु और परमाणुओं के मिलन से जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, उस एक छोटे बिंदु, जो अणु का जो बिंदु है, उस बिंदु का नाम है शरीर, उस एक बिंदु का नाम है शरीर। आपको पता है शरीर का निर्माण कैसे होता है, माँ और पापा यानी माता और पिता, इन दोनों के रज और वीर्य, इन दोनों का संयोग व्यान वायु के माध्यम से माँ के गर्भ में होता है। सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है, निर्माण होने में ओज का बड़ा महत्व रहता है, अभी हम देखेंगे पढ़ेंगे ओज क्या चीज है, जबरदस्त चीज है ओज, जो प्राण का संरक्षण करता है ओज, वह ओज ही है। आप लोगों ने ओज के बारे में सुने होंगे, जो प्राण का संवर्धन करता है, संरक्षण करता है, जिस दिन ओज नष्ट हुआ उस दिन सब कुछ गया। तो जो बिंदु है, जो अणु है, जो परमाणु है, अनंत परमाणुओं के मिलन से शरीर बना हुआ है। बेसिकली हमारा शरीर क्या है, हजारों अनगिनत परमाणुओं का एक किया, यानी एक होना
इसी का परिणाम है शरीर। कहते जब शरीर का निर्माण पहली बार जब शरीर में होता है तो एक अणु दूसरे अणु के साथ संवाद करता है। वह संवाद का परिणाम है कि वहां से तीसरा अणु का निर्माण होता है। तीसरा अणु उन दोनों के संवाद ही डिसाइड करता है तीसरा अणु किस तरह का निर्माण होना है। यानी शरीर के लिए जो आवश्यक और अनावश्यक जो बात जो चीज़ें हैं वो अणु ही तैयार करता है, निर्माण होते वक्त भी और आज भी। परमाणुओं की भाषा बोलते हैं जिसको, हम अणु की भाषा है वो। नाड़ी सीखना है, आयुर्वेद सीखना है तो आप लोगों को इस लेवल से आगे बढ़ना होगा। यकीनन आप लोग बहुत अच्छा 3 महीने में सीख पाएंगे, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा और इसका मनन भी आपने करना है। प्रत्येक परमाणु आपस में संवाद करते हैं, उन परमाणुओं में चेतना रहती है, उनमें ज्ञान रहता है, उनमें तत्व बोध रहता है, तत्व की ज्ञान होती है, जिन्हें हम वेद कहते हैं। जो वेद है जिसको बाद में कलेक्शन वेद व्यास ने किया है, वेद की जो भाषा है ये और कोई नहीं है, वो अणु और दूसरे अणु जो एक आपस में संवाद करते हैं उस संवाद का भाषा ही वेद है। इसलिए इंसान के लिए वेद पढ़ना बड़ा जरूरी है। यदि आप उस अणु और दूसरे अणु बहुत सारे अणु जो इस एक आपस में चर्चा करते हैं, लिवर अनंत अणु से निर्माण हुआ है, प्रत्येक अणु वहाँ चर्चा करते हैं और वो लीवर के अच्छे और बुरे स्थितियों के बारे में वहाँ निष्कर्ष होता है, उसके बाद लीवर के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कितना एंजाइम निकालना है, कितना पाचक द्रव्य लीवर से निकालना है, वो आपस में ही चर्चा करके उसका डिसाइड करते हैं। शरीर के अंदर एक बड़ा बवंडर है, ज्ञान का एक बड़ा तूफान है, उसको जानना ही, उसको जानने की जो भाषा है वो है वेद। लेकिन कोई वेद पढ़ता नहीं है, वेद की भाषाएं बड़ी क्लिष्ट है, इस अणु अणु की भाषा भी बड़ी ही क्लिष्ट है, समझ में ना आने वाली भाषा है। लेकिन अब चूंकि हमारा जन्म हो चुका है, उस अणु और परमाणु की भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारी चेतना उस लेवल में विकास हुआ ही नहीं अभी। इसीलिए चेतना के वृद्धि करने के लिए आत्मा की खोज करने के लिए लोग पहले निकला करते थे। वो बेसिकली आत्मा और कुछ नहीं है, वो शरीर के अंदर का जो परमाणु है, वो आपसी उनका जो संवाद है वही आत्मा की भाषा है। उसी को खोजने की लोग ये हमारे जितने भी जो भगवान जो ऋषि मुनि थे पहले के, वो सब एकत्रित होते थे, वो करते रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, पहले जमाने में तो ये धौम्य आदि ऋषि मुनि इस अणु परमाणु की भाषा जानते थे, इसलिए बड़े दूरदर्शी थे, लंबा इनका उम्र था, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आजकल आपके और हमारे समझ से परे है। तो कहते हैं कि जब इंसान में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हुआ, जो इस अणु परमाणुओं के भाषा को समझने में वो असमर्थ होता गया, इसलिए समाज चल सके, बातें बन सके, शरीर चल सके, बस काम चल जाए, इसको ध्यान में रख करके कुछ शब्द कुछ भाषा का निर्माण हुआ, जिन्हें हम देवनागरी लिपि या तमाम जो लिपि कहते हैं ना, ये लिपि आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि वो हमारी इस भाषा को तो हम जानते ही नहीं है, अगर जाने तब तो फिर तो मस्ती है वहाँ पर। इसलिए इन लिपियों की आवश्यकता पड़ी क्योंकि वो भाषा तो हम नहीं जानते, कुछ काम चलाओ एक दूसरे को हमने सीख लिया, ABCD का ख ग घ अ आ ई ई, ये हमारा प्रारंभिक अवस्था है, क्या करें हम तो जानते नहीं अंदर की बातें। तो कहते हैं कि वो अंदर जो चल रहा है उसको जानना ही, उसी को वेद बोलते, वेद यानी जानना। और वो जो अंदर चल रहा है वो क्या चल रहा है, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इनके संयोग कैसे हो, हमेशा वो अणु और परमाणु इनका समूचा एक जो नॉलेज है, जो बातें हैं वो निकलता है। तो इसको आप लोग नोट करिएगा, शरीर का संबंध इंद्रिय के साथ, शरीर इंद्रिय का संबंध मन के साथ,
और शरीर इंद्रिय मन का संबंध आत्मा के साथ जब तक परफेक्ट रहेगा तब तक उस इंसान का जीवन सच्चा रहेगा, दोष रोग से रहित रहेगा। आयुर्वेद में लिखा है उसी का नाम आयु है, वही आयु है। देखो इसका संबंध हम कैसे देख सकते हैं। जैसे एक आदमी आँख से देखता नहीं है, तो आँख क्या है? इंद्रिय का एक विषय हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? चक्षुष इंद्रिय हो गया आँख। अब इंद्रिय का संबंध शरीर के साथ अगर परफेक्ट नहीं होगा, यानी अगर वो प्रॉपर आँख से नहीं देख रहा है और वो रास्ते में चल रहा है, तो क्या होगा? होगा ये कि रास्ते में ठोकर खा के गिर जाएगा। तो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? शरीर और इंद्रिय का संबंध रहेगा, यानी चक्षुष इंद्रिय का संबंध शरीर के साथ होगा, तो वो प्रॉपर चल पाएगा। इनका संबंध होना ही आयु है। शरीर ठीक है, इंद्रिय तो ठीक है, इन दोनों के आपस की रिलेशन तो प्रॉपर अच्छा है, लेकिन मन का संबंध है ही नहीं। मन का संबंध नहीं है, मन भी एक इंद्रिय इंद्रिय है। मन का संबंध शरीर और इंद्रिय के साथ नहीं है। अब मन जो है, मन के बारे में इतना मैं आपको बता दूं, या आप नोट कर लो फिलहाल मोटा मोटी। मन हमेशा हृदय में रहता है, और मन का ऑफिस है जहाँ से वो काम कर सकता है। अपने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के पास जाता है मन हमेशा, वो ब्रेन में रह करके करता है। यानी मन का ऑफिस है, रहने वाला जगह है ब्रेन, और जहाँ जाकर के वो शांति से आराम कर सके, वो घर है उसका हृदय। एक आदमी को रात में नींद नहीं आती, कहता महाराज नींद की बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करे? इसमें क्या हुआ होगा? जैसे हमने बताया कि वह आदमी नींद नहीं आता, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें वो दिमाग में घुमाता रहता है। जब आदमी को नींद नहीं आती तो मन का संबंध जब तक विषय के साथ है, इसको आप लोग चाहे तो दिमाग में नोट कर सकते। इंसान को नींद कब नहीं आती? अनिद्रा का शिकायत कैसे हो सकता है? मन का संबंध जब विषय से हट जाता है, आँख का विषय देखना, मुंह जीभ का विषय रस स्वादन करना, ये सारे जो विषय है, ये मन जो है जब इससे हट जाता है, तो धीरे धीरे विषय के ना होने से मन को लगता है, जैसे आप सो गए तो आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप खा भी कुछ नहीं रहे तो जीवा भी साइलेंट है, आँख भी साइलेंट है, त्वचा भी साइलेंट है, सब के सब साइलेंट है। अब मन कहता है कि भैया मेरे जितने भी ऑफिस है, ये सारे मन के ऑफिस है, सारे मन के नौकर है हम कह सकते हैं। वाक, कर्मेंद्रिय क्या क्या है? जैसे ज्ञानेंद्रिय कान है, आँख है, रसना जीभ है, नाक और स्किन, ये पांच ज्ञानेंद्रिय है। इन ज्ञानेंद्रियों के पास ये जो ज्ञानेंद्रिय है, ये मन का नौकर है, ये मन के दोस्त भी हम इन्हें कह सकते हैं। मन दिन भर इन्हीं के साथ लग करके काम करता रहता है। कान ने कुछ सुना, कोई शब्द आया, शब्द कान का विषय है, तो मन तुरंत ब्रेन ब्रेन से कान तक आएगा। कोई सुगंध आया तो मन तुरंत नाक में आएगा और कहेगा भैया क्या चीज है, किस तरह का खुशबू है, तुरंत मन एक्टिव होता है। लेकिन ये सब के सब ज्ञानेंद्रिय अगर डीएक्टिव हो जाए, ये निस्तेज हो जाए, इनका कोई काम ना हो, तो अब मन बोलता है भैया ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। वो ब्रेन से धीरे से चुपके से अपने कपाट को बंद करके हृदय में आता है, और आकर के वहाँ चुपके से हार्ट के अंदर, यानी जो आत्मा है उसके अंदर बंद हो जाता है। ये वो अवस्था है जिन्हें हम निद्रा अवस्था कह सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन चलायमान है, यानी आपका विषय बड़ा कमजोर है, विषयों आपका जो विषय है कान आँख जीभ नाक और स्किन, ये हरकत कर ही रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है, दिमाग से कुछ न कुछ आप सोच ही रहे हो, आँख आप बंद नहीं कर रहे हो, यानी मन कहता है कि यार आप तो छोड़ो, मुझे जाने तो दो भैया,
कितने देर तक आप इस कर्म ज्ञान इंद्रियों को आप खुला छोड़ोगे। तो वो अवस्था है जहाँ पर इंसान को नींद नहीं आती। तो नींद लाने के लिए सबसे बड़ा हमारा चिकित्सा क्या है, हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रिया है इसका शोधन करना होगा। कौन सा विषय है, कान का विषय है क्या, आँख का विषय है क्या, जीभ का है क्या, नाक का है क्या, त्वचा का है क्या, किसका विषय है। जैसे कोई आदमी कहता है कि महाराज आज मेरे घर वाली ने ऐसा बोला, आज मेरे घर वाली ने बड़ा कुछ मेरे को बोला, गाली दिया या ऐसे कुछ किया और मुझे नींद नहीं आ रही है, तो बताइए कौन सा इंद्रिय का विषय हो सकता है ये, कोई बताइए जरा, कौन सा विषय का, कौन से इंद्रिय का विषय हो सकता है। मन कान का ये कान कान का, ये कर्ण इंद्रिय का विषय हो रहा है, यानी जो हमारा कर्ण इंद्रिय है वो दूषित हो रहा है और वही कारण है कि हमारा मन अस्त व्यस्त होकर के हमें नींद नहीं दे रहा है। चिकित्सा क्या है, हमारे कर्ण इंद्रिय जो है उसके विषय को ठीक किया जाए। हमने कोई विवत्स चीज अगर देख लिया, देखने से हमें डर लग रहा है और उसके वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, तो नींद ना आने का रीजन क्या है, वो विवत्स दृश्य जिसको मेरी आंख ने देखा। चिकित्सा क्या होनी चाहिए, सीधी सी बात है भैया, कोई दूसरा कारण तो है नहीं, मेरी जो चक्षुषेंद्रिय है उसका जो विषय दृश्य है उसको मुझे ठीक करना होगा, यानी आंख का जो विषय दृश्य है तो आंख और उस दृश्य को मुझे ठीक करना होगा, क्योंकि विषयों का संबंध मन के माध्यम से ब्रेन तक जा रहा है और फाइनली मन ही उस विषय के प्रभाव को लेकर के हृदय तक जा रहा है। शरीर का इंद्रिय के साथ, शरीर इंद्रिय का मन के साथ प्रॉपर ताल्लुकात है क्या? अगर हाँ तो निश्चित बात है कि आपके आयु सही है। इनका शरीर इंद्रिय और मन का आत्मा के साथ संबंध होना भी बड़ी जरूरी है। अगर आत्मा के साथ संबंध होगा इनका तो निश्चित बात है कि अब आपका, यानी कि ये चार हमारे पास चीजें हैं, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा। जब भी कोई व्यक्ति का आयु कम होगा तो समझ लो कि इन चार में से किसी न किसी चीजों का आपसी जो रिलेशन है वो गड़बड़ है। किसका है, सिर्फ दवाई खाने तक से तो बात नहीं ना बनेगी। कौन सा वह विषय है जो आत्मा में, मन में, शरीर में संग्रह हो रहा है, अधिक मात्रा में संग्रह हो रहा है, उसको ठीक ठीक पहचान करके उसकी उपचार करना ही वास्तव में आयुर्वेद चिकित्सा है। देखो जरा चरक संहिता क्या बोलते हैं, काल बुद्धिन्द्रियार्थानं योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणं व्याधीनां त्रिविधो हेतु संग्रह। ये है आपके रोग का कारण, और हम जो है कई प्रकार के दवाइयों के फार्मूला ही कलेक्शन करते जा रहे, और जबकि रोग का कारण तो कुछ और ही है। अरे महाराज इसको जड़ से ही तो पकड़ना पड़ेगा हमें। अगर आप कोई दवाई ही दे रहे भैया तो ये तो देखो, दवाई जो होता है वो एलोपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हम कहते हैं ना साइड इफेक्ट नहीं होता आयुर्वेदिक दवाई, तो मैं कहता हूँ सभी साइड इफेक्ट होते हैं, तो दवाइयाँ ज़्यादा नहीं देना। आयुर्वेद इस बात से अच्छा माना जाता है क्योंकि ये इस तरह की भाषा बोलता है, ये आत्मा मन शरीर इंद्रिय इनके आपसी रिलेशन ही शरीर का अच्छा और बुरा होना इस बात को ये स्वीकारता है। काल बुद्धि इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ का एक आपस में संबंध सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। काल यानी समय, काल यानी ऋतु, काल यानी बालक युवा वृद्धा आदि अवस्था, काल यानी पदार्थ की स्थिति। जैसे काल का संबंध से हम यहाँ एक ये भी ले सकते हैं कि कौन सा द्रव्य किस काल से संबंध रख रहा है। जैसे आम है, अगर छोटा है तो उसके अंदर तिक्त रस होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा मगर कच्चा होगा तो कषाय रस होगा,
और ज्यादा ही पका हुआ होगा तो मधुर रस होगा। तो काल यानी समय उस एक फल से इंसान के शरीर में अलग अलग प्रभाव दे रहा है। तो काल का बड़ा महत्व रहता है द्रव्य में और इंसान में। उस काल का बुद्धि के साथ, काल और बुद्धि का इंद्रिय के साथ जो रिलेशन है, यह भी परफेक्ट होनी चाहिए। इसको हम बेशक इसका विधि पूर्वक हम चरक में हम इसको पढ़ते आ चुके हैं, बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इस चीज़ को नोट करते हुए चलो कि आयु क्षीण होने का पहला कारण जो आयुर्वेद ने बताया है, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इनका रिलेशन में एक आपसी ताल्लुकात की गड़बड़ी होना, और दूसरा सूत्र यहाँ काल बुद्धि और इंद्रियों के अर्थ कौन कौन से हैं। इंद्रियों के अर्थ अभी मैंने बताया, जितने भी जो ज्ञानेंद्रिय है उन ज्ञानेंद्रियों का जो विषय है वही इंद्रियों का अर्थ है। आँख से दृश्य देखना, तो दृश्य जो पदार्थ है वो हमारे इंद्रियों का अर्थ हो गया। इनमें इनमें अधिक योग होना या मिथ्या योग होना या अल्प योग होना यही वास्तव में व्याधि का कारण है। कल परसों मैं एक चीज सोच रहा था ऋतु के संदर्भ में, आप लोग भी इस बात को पता नहीं मानते नहीं मानते, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे बता देना कि आप इस बात को कितना स्वीकारते हो। चरक संहिता सूत्र स्थान 11वें अध्याय सूत्र क्रमांक 47 46, अगर आपके पास चरक संहिता है तो उसको निकालिए। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 11 सूत्र क्रमांक 46 47, यहाँ एक जबरदस्त बात लिखा है। लिखा हुआ है कि ऋतु में वैषम्यता अगर हो तो ये सबसे बड़ा व्याधि का कारण है। ऋतु की मिथ्या योग, ऋतु की अति योग, हीन योग ही, अब ये शब्द आपको समझ में नहीं आएगा जो नए विद्यार्थी है। ऋतु का मिथ्या योग का हीन योग का मतलब क्या है? जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में अगर सर्दी बिल्कुल भी नहीं होता तो ये उस मौसम के लिए हानिकारक है। जो जैसा ऋतु है उस ऋतु का जो जैसा गुण है वैसा गुण उस ऋतु में होनी चाहिए। अगर नहीं होता तो उस ऋतु के लिए ये अच्छी बात नहीं है, उस ऋतु में आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है। हेमंत ऋतु सर्दी का मौसम है, कड़ाके का ठंड लग रहा है, महाराज कितने साल के बाद इस बार ठंड है, तो ये अति योग हो गया, यह भी उस ऋतु के लिए अच्छी बात तो नहीं है। और एक ही मिथ्या योग, और ये सबसे ज्यादा डेंजर है। मिथ्या योग कैसे तैयार होगा? सर्दी का मौसम है, सर्दी ना होकर के जबरदस्त गर्मी हो रहा है। प्रकाश जी बताइए, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है सर? चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय नंबर 11 सूत्र क्रमांक 46, शायद 46 47 है शायद, वहां पर देखना ऋतु के संदर्भ में बता रहा है ऋतु का मिथ्या योग, उसको अभी नोट कर लेना, बाद में उसको पढ़ लेना। तो वहां स्पष्ट क्या बताते हैं, अगर सर्दी का मौसम है और उस दिन में गर्मी कड़ाके का हो रहा है, महाराज एसी चलाना पड़ रहा है, ये सबसे भयानक स्थिति है। यही वो समय है जहां पर अनेक प्रकार के व्याधि पनपते हैं, अनेक प्रकार के वायरस पनपते हैं इस दुनिया में। ये कोरोना जैसे जो वायरस है वो इसी प्रकार के ऋतु ऋतु वैषम्यता उन्हें हम कहते हैं, उसके कारण से ये विषमता यहाँ पर आया हुआ है। अब जरा आप कल्पना करिए इस दुनिया में ये विषमता कितना हो रहा है आज के संदर्भ में। एक आदमी कश्मीर में उगने वाला केसर, केसर कहाँ उगता है? कश्मीर में। कौन सा ऋतु में उगता है? बहुत ज्यादा सर्द ऋतु। ओके, सर्द ऋतु है। तो सर्द ऋतु में अगर आप सर्द ऋतु में मतलब कि वो जो केसर का खेती अगर आप करते हो राजस्थान में जाकर के, तो राजस्थान का तो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म देश है, वात पित्त प्रधान स्थान है, जंगल प्रदेश है, वहाँ पर उगाया हुआ केसर, चाहे वहाँ पर जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके जो आप ये जो सारी चीज़ें जो उगा रहे हो, अच्छा 42 है ठीक है, तो वो जो केसर जो है मार्केट में अगर वो उतारेंगे तो वो व्याधि का कारण बनेगा, क्योंकि ये मिथ्या योग है।
सर्दी में उगने वाला केसर को आप गर्मी देश में ला करके टेम्परेचर मेंटेन करके उगा रहे हो। ऐसे ही मशरूम के संदर्भ में ऐसे बहुत सारे ऐसे फल है जो गर्मी मौसम में पैदा होने वाले फल को आप सर्द वाले इलाके में ले जा करके टेम्परेचर मेंटेन करके उगाते हो, तो यह भी ऋतु का मिथ्या योग है। तो वो तमाम चीज़ें आजकल वनस्पति फल फूल ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगा, इस तरह की चीज़ें मिलेंगे जो कि व्याधि का सबसे बड़ा मूल कारण है। आप सभी लोग इस बात को जानते हो। तो काल बुद्धि इंद्रियों का जो मिथ्या योग है, जो हीन योग है, यही हमारा व्याधि का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा कारण है। तो इसको जानने के लिए हमारे यहाँ पर जो व्याधि का जो मूल कारण है उसको जानने के लिए अभी हम लोग यहाँ पर विविध प्रकार के आयुर्वेदिक चिकित्सा का हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। और आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे यहाँ पर एक टीचर है, हमारा मित्र है वो, और मुझे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर जब मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ तो प्रॉपर ध्यान मुझे नाड़ी के तरफ नहीं लगता, मतलब याददाश्त की कमी है, कंसंट्रेट नहीं हो पाता, ध्यान नहीं लग पाता, वो जो नाड़ी की जो वाइब्रेशन है वो दिमाग में बैठता ही नहीं है, पकड़ में ही नहीं आता। नाड़ी उंगली में लगाता हूँ, अपने अंगुली लगाता हूँ कलाई में, तो वो जो स्पाइक हो रहा है मुझे सभी एक ही समान दिखते हैं। तो ये बहुत सारे नवीन जो विद्यार्थी हैं उनमें ये दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हम लोग अभी 3-4 दिन के बाद एक बहुत स्पेशल कोर्स लेकर के आपके सामने आ रहे हैं जिसका नाम है टेलीपैथी। टेलीपैथी जहाँ से आप लोग कलर थेरेपी मेडिटेशन करने की विशेष जो विधि है, हमारे इस क्लास में जैसे जयप्रकाश जी है, जयप्रकाश जी आप आए थे, जरा आप ऑडियो को जरा खोलिए जरा उस क्लास में जो पहले हमने क्लास किए थे। जयप्रकाश जी जी गुरु जी आए थे। हाँ आए थे आप, तो जो टेलीपैथी जयप्रकाश जी 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 को, मैं भी आया था सर। अजय कुमार जी भी आए थे। अजय एक कुमार जी आप बताइए जो टेलीपैथी मिनट आपको कैसा लगा, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है उससे? जी सर, उससे पूरा माइंड मतलब जो है पूरा माइंड एक तरफ हो जाता है, किसी मतलब इधर उधर नहीं भागता। यदि आप कोई काम करना चाहो तो उसमें 100 के 100% लगता है। यदि नाड़ी देखना चाहो तो नाड़ी की आवाज बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई गोला फेंक रहा हो, इस तरह की आवाज आपको सुनाई देगी यदि आप पूरे दिमाग से सुनेंगे तो। मैं सच में अगर आपको कहूं तो मैंने मैंने अविनाश जी हमारे टीचर है, अविनाश जी यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, सिखाने वाले अविनाश जी ही है। तो हाँ जब इन्होंने, सर, हाँ हमारे पुराने बैच में और भी हैं, सरवनी मैम भी आए हुए हैं, सुनील सर भी आए हुए हैं, उनको भी एक बार अच्छा अच्छा ठीक है, उनका ये ले नहीं लो फीडबैक। हाँ ठीक है। तो मैं आपको कहता हूँ कि जब मैंने जिक्र किया अविनाश जी यार मेरे ना आजकल थोड़ा मन ऐसा ही थोड़ा भटक रहा है, थोड़ा चंचल सा हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि सर अरे आप क्यों टेंशन लेते हो, मेरे पास एक मैंने सीखा हुआ है, इसका मैं सिखाता हूँ लोगों को। मैंने कहा का क्या, तो मैंने पहली बार सुना टेलीपैथी नाम का, मैंने उससे पहले कभी सुना नहीं था। तो फिर मैंने लोगों से पूछा यहाँ पर, तो कहने लगे महाराज वो तो ज़बरदस्त चीज़ है, सिखाने वाले मिल जाए तो हम भी सीख लेंगे। तो 20-25 लोग मिल गए वहाँ पर उस क्लास में। फिर अविनाश जी को मैंने कहा कि महाराज सिखाइए, बट मेरा इंटेंसिटी नहीं था उसको प्रॉपर सीखने के लिए, लेकिन सारे लोग सीख रहे थे तो क्लास में मैं भी था। पहले 2-3 क्लास मेरा ऐसे मिस हो गया तो फिर वो मेरा रिदम नहीं बन पाया। तो लेकिन जैसे अभी अजय जी कहते हैं, जयप्रकाश जी कहते हैं सर वो तो मज़ा ही आ गया, ऐसा होता है वैसा होता है, तो मुझे अविनाश जी मुझे अब दोबारा इच्छा है कि आपसे वो क्लास, हमारे जो नए विद्यार्थी है वो भी इच्छुक है शायद इसको करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस क्लास को अटेंड करें। अविनाश जी कौन आए जो पिछले क्लास के थे, क्या अभी है क्या कोई? हाँ जी सर सर, सुनील सर है, सरवनी मैम है, और एक है जो जिनको पुराने हैं वो लोग हैंड रेज कर दें प्लीज। जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको करने का। गौतम जैन जी बताइए जरा, टेलीपैथी आपने किया, एक्सपीरियंस बताइए आप, ताकि मेरे अंदर एक कुतूहल जगे ना कि मैं दोबारा करूँ इसको। सही बात है भैया। जैसे पहले किसी ने शेयर किया था, जैसे एक क्रिकेट की बात आपको बताता हूँ कि क्रिकेट के वर्ल्ड में सचिन तेंदुलकर को भगवान माना जाता है, और वो जब खेलता है तो उन्हें गेंद, लोगों को क्रिकेट की बॉल क्रिकेट की तरह दिखती थी, लेकिन उन्हें क्रिकेट की बॉल फुटबॉल की तरह दिखती थी।
ऐसा लोग मानते हैं, और यही वास्तविकता यहाँ पर होती है कि जब हम नाड़ी का स्पाइक ये कोर्स करने के बाद सुनते हैं तो उसकी धक धक हमें ऐसा लगता है कि हमारे कानों में बज रही है, क्या बात इस है। तरह से महसूस होता है, इतना कॉन्सेंट्रेशन हमारा वहां हो जाता है। हाँ फिर तो वहां पर आपको इसके लिए अभिनव जी मंत्रमुग्ध और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत लेके हमें इस लायक बनाया कि हम इन्हें वो सब कर सके। थैंक यू जी, थैंक यू। आप तो दोनों को मुझे अच्छा प्रणाम। लगा गौतम जी, आप अभी हमारी इस क्लास में आप आए हुए हैं, बहुत मुझे खुशी हुई। वो जो जी बेसिकली मेरे को खेद है कि मैं उस क्लास को प्रॉपर पहले मैं ऐसे ही समझ रहा था कि, लेकिन गौतम जी आप लोग बेसिकली, मुझे उससे पहले टेलीपैथी नाम का क्या चीज़ है मुझे पता ही नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट है वो कह रहे कि सर करना करना, 2-3 महीने से लगे हुए, तो मैं कहा चलो उसको अभी 3-4 दिन से। तो हमारे जितने भी अभी आप लोग सुन रहे, अगर आप लोग भी उस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो क्लास में आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ये क्लास सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा होगा, कम से कम भी ये क्लास 1 महीने तक चलेगा, और उसमें विशेष करके मैं ज़्यादा ही उसको मैं अटेंड करने वाला हूँ। मतलब मेरा जैसे वो भागवत कथा में लिखा हुआ है ना कि धुंधुकारी को जब सुना, भागवत कथा सुनाया गया तो धुंधुकारी तो जब मुक्त हो गया तो बाकी के लोग कहने लगे अरे भगवान ये तो ऐसा होता है, तो इस बार मेरा। हाँ जी प्रकाश जी, सर जी, ये जो क्लास है इसका लिंक वगैरह अलग रहता है क्या? हाँ वो सारा चीज़ें आप जिन्होंने भी इसको अटेंड क्लास लेना है तो उसको हम लोगों ने, क्योंकि जो हमारे टीचर है वो मैं नहीं हूँ पढ़ाने वाला, मैं भी उसको पढ़ूंगा, तो अब वो जो टीचर है उनको हमें कुछ देना होगा, थोड़े बहुत जो भी देंगे तो उसका व्यवस्था भी हम लोग कर लेंगे, जो भी होगा। आप लोग बात कर लेना जिनको क्लास, आप सभी को आना है विशेष करके उस क्लास में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नाड़ी हो या चाहे आयुर्वेद हो, ये दुर्लभ और पुरानी विषय को जानने के लिए आपका दिमाग में बड़ी तीखापन होनी चाहिए, और वो तीखापन जब तक आप ध्यान चिंतन और धारणा की शक्ति आपके अंदर नहीं रहेगा, वो चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो बात। सुनील कुमार जी बताइए। सर उसका लिंक जी क्लास गुरु कब जी, से प्रणाम। स्टार्ट हो रहा है सर वो? बस आप लोग, वो हो रहा है सर 4 या 5 तारीख से, मैं आप लोगों को मैसेज डाल दूंगा, तो वो 4-5 दिन तक आप वैसे डेमो क्लास में आ जाना, कोई फर्क नहीं है, 5-6 दिन तक ही आप आइए, बस आपको मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको सीख लीजिएगा, बस वो ज़रूरी है, बस मेरे लिए तो वो ज़रूरी है, और आप लोग उसको कितना ज़रूर समझते हो वो आप लोग देखिएगा। तो हमारे यहाँ से आज डेफिनेटली जो, डेफिनेटली तो गुरु गुरुजी, जी मैं सुनील चौबे बोल रहा हूँ गुरुजी। सुनील जी, हाँ जी हाँ गुरुजी, वो जरूरी सबके लिए है क्योंकि नाड़ी सीखना ऐसे मान लीजिए ये जो 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 क्लास चल रहा है इससे ज्यादा जरूरी है मेडिटेशन करना, क्योंकि जब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे, दिमाग कंसल्टेंट नहीं होगा, एक जगह एकत्रित नहीं होगा, तो नाड़ी तो फिर वैसे समझ में नहीं आएगी। नाड़ी के लिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन हमारा जैसे जो अविनाश सर करा रहे थे सुबह सुबह में, वो बेसिकली भले हम लोग वहाँ पे माइंड रीडिंग और ये टेलीपैथी को जान करके गए थे, लेकिन वहाँ पे हमको कलर थेरेपी और मेडिटेशन जो मिला वहाँ पे वो अद्भुत था सर बेसिकली जी। बेसिकली ये उसको टेलीपैथी सबको को करना बोला चाहिए कहते हैं। जी, वो सबको करना चाहिए, जो नाड़ी सीखना चाहते हैं उनको ये क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए जी अब जी। देखो ना गुरुजी मैं इसमें कुछ ये जोड़ना चाहूंगा जी जी, जैसे कि सुनील जी ने बताया वो तो करना ही करना है, मैंने उसके लिए तो है, लेकिन हमारे लाइफ में हमें कहीं पे भी कुछ भी कर परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, हाँ जी, तो हाँ जी उसके लिए ये क्लास करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ नाड़ी परीक्षण में यहाँ काम आने वाला है, आपका पूरे जिंदगी में 24/7 आपको ये चीज काम में आने वाली है जी गौतम जी। जी, अरे प्रणाम मैं गुरु। कहता हूँ कि वो एक बहन जी है ना जिन्होंने वो टेलीपैथी सीखा था, वो फोन से वो लोगों को बता रही है, उसको ठीक कर रही है, बोलती है कि सर क्या नाम था उस, वो जो है बंगाली बोलती थी वो लेडीज, क्या नाम है उसका? सर वो आए हुए सर हैं। मैं, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ओ क्या बात है बहन जी, मजा ही आ गया जी, आप भी आए हुए हो। आए, अरे आपके तो सुनकर के अच्छे, मैं हाँ बड़ा, मुझे बड़ी, मैं सुन रही थी आपका 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 जो क्लास हो रही, मैं सुन रही थी। मैं मिडिल मिडिल में कभी भी टाइम मिलता है तो मैं आपका क्लास भी ज्वाइन कर रही थी यूट्यूब पे। अरे इतना इतना समझ में जब मैं सुन रही थी आपका चरक पे आयुर्वेदिक का जो कोर्स, तो उसमें एक चीज तो इम्पोर्टेंट है कि क्या नाड़ी तो एक सेंसिटिव थिंग्स है, आयुर्वेदिक का कोई की डॉक्टर व कोई की
किसी को नाड़ी देखने के लिए कॉन्सेंट्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसके लिए तो जरूरी है मेडिटेशन। और ये जैसे हम लोग जो सीखा होता पहले टेलीपैथी का माइंड रीडिंग का क्लास अटेंड किया, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। और मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बोलती हूँ, मैं तो एक दूसरा प्रोफेशन में हूँ, मगर मेडिटेशन ऐसे चीज है कि अब कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम जैसे नाड़ी भी अदर थिंग, बट ये मेडिटेशन का जो टेलीपैथी का माइंड रीडिंग का जो क्लास में अटेंड किया था, इससे बहुत कुछ प्रॉफिट होगा, बहुत कुछ इससे जो कुछ भी सीखोगे। ठीक है, अच्छा थैंक यू जी। अच्छा मैं बताऊं कि हमारे उस क्लास में आप लोगों जो टेलीपैथी क्लास था उसमें से कम मुझे लगता है 10 लोग बड़े सफल हुए, तो इस बार भी हम चाहते हैं कि ऐसे ही 15-20 लोग इस चीज़ में सफल हो और आगे अपना नाड़ी परीक्षण तो आप लोगों से जो टेलीपैथी सीखते हैं वो तो प्रॉपर होगा ही, क्योंकि वो माइंड भी अच्छा हो सकता है, कंसंट्रेट कर सकते हैं, याददाश्त बड़ी अच्छी बढ़ती है, समझ बढ़ती है, उससे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आप लोगों को टेलीपैथी। तो ये क्लास हम लोग 3-4 दिन के बाद शुरू करेंगे, आज तो बस जस्ट थोड़ा सा आप लोगों के साथ मुलाकात करना, जस्ट संवाद करना, बात करना ही मेरा आज का था। बट हम लोग कल से आयुर्वेद का जो नाड़ी परीक्षण की जो हमारी जो बातें हैं वो शुरू करेंगे। आप लोग बस 9 बजे अपने जो समय का मर्यादा रखें। और अच्छा अभी आप लोगों को आज के क्लास में अगर कोई बातें समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। वैसे तो आज तो जस्ट हम संवाद ही कर रहे थे सारे में, चरक जो बुक है उसके ऊपर मैं अभी बता रहा था, तो शायद मैं ठीक है ना, तो कल से हमारा एक रिदम से क्लास चलेगा जहाँ पर हम नाड़ी के ऊपर बात करेंगे। हाँ जी गुरमिल सिंह जी, हाँ जी बताइए गुरमिल जी बताइए। हेलो बुक के नाम, ओके किस चीज के लिए, कौन सा बुक, मतलब आयुर्वेद के लिए आप चरक संहिता अष्टांग संग्रह और काय चिकित्सा, ये दो बुक आप ले लीजिएगा आयुर्वेद के लिए, जो ये हमारा 3 महीने तक जो चलेगा ये मैं आपको बताऊं, चरक संहिता अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह और काय चिकित्सा, ये दोनों जो तीनों जो बुक है उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को आयुर्वेद पढ़ाऊंगा अभी 3-4 महीने तक। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ जी किसकी टीका है, किसके द्वारा या है नहीं अनुवाद, किसके किसी का भी हो। अब मैं कुछ बोलूं क्यों, मेरे अपने आईक्यू लेवल से मैं बोलूंगा, अब आपका जो है वो बस आप ले लीजिएगा, क्योंकि उसको संदर्भ बस पढ़ाना तो मैंने ही है, आप बस कोई भी हो काय चिकित्सा का बुक ले लीजिएगा, वो अलग अलग टीकाकार अपने एंड से उन्होंने अपना कुछ वो लिखे हुए रहते, बस बेसिकली सभी एक ही चीज है। और चरक संहिता तो है बस संस्कृत में लिखा हुआ जो सूत्र होनी चाहिए उसमें, बस हिंदी हिंदी ट्रांसलेट वाला नहीं लेना अपना एकदम, ठीक है संस्कृत में लिखा हुआ हो ऊपर नीचे उसका ट्रांसलेट हिंदी में इंग्लिश में कुछ भी किया हो वो चल जाएगा, लेकिन अकेले इंग्लिश या हिंदी वाला जो टीका जो लिखे हुए होते हैं उसको नहीं लेना है। तो अभी सबसे पहले आप लोग चरक संहिता अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह लीजिएगा, वो सभी बुक का एक सारांश है अष्टांग संग्रह, और काय चिकित्सा ले लीजिएगा जो कि हमें वहाँ पर शरीर के बारे में बहुत सारे उसको स्रोतस है, बहुत सारी चीज़ें जिसको हमने इस बार पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको, नाड़ी परीक्षण के संदर्भ में तो आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आप लोगों को दिला दूंगा, पढ़ा दूंगा, यहाँ से मैं आपको PDF भी दूंगा। जहाँ तक अगर आप लोग फेस रीडिंग टेलीपैथी जो क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए भी हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा देंगे, उसमें तो सिर्फ आपका प्रैक्टिस है। यदि आप हर रोज़ 1 घंटे सुबह टेलीपैथी के लिए अगर आप लोग टाइम देते हो ना, यकीन मान लीजिए आपका नाड़ी का कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, वो टेलीपैथी जो आप जो सीखोगे सुबह वह ही आपको परफेक्ट एक नाड़ी वैद्य बनाएगा, क्योंकि टेलीपैथी जो वो तकनीक है वो आपके अंदर एक प्रकार के ऐसे क्वालिटी डिजाइन करेगा, एक मतलब कि मेंटेन करेगा, तैयार करेगा, जिससे कि आप जो पल्सेशन है वो जो नाड़ी है उसको पकड़ने की एक आपके माइंड है उतना सूक्ष्म होगा, उतना तीक्ष्ण होगा। तो आज हमारा क्लास यहीं तक है, कल हम यहाँ से आगे आयुर्वेद के विशेष बात करते हुए हम नाड़ी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई बातें समझ में नहीं आया
तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई अगर शब्द समझ में नहीं आया, कोई सूत्र समझ में नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। पुष्पलता जी आप जरा बताइए, पुष्पलता जी आप जरा अपने ऑडियो को, हाँ जी खोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ मैं गुड़गांव से हूँ और मेरे एक भाई सुमान्य संजय सिंह भाई जी, उन्होंने मुझे लिंक भेजा था और आज ही मुझे फोन करके जुड़ने के लिए बोला। और कुछ चीजों को लेकर ठीक है, काफी इंटरेस्ट होता है मेरे लिए ये सब्जेक्ट सीखना और इन चीजों का, चूंकि क्षेत्र मेरा यही है। प्रोफेशनली मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ। क्या बात है। हाँ और कई सारी चीजों में मैंने सीखा हुआ है। तो आज जो चीज आपने बताया, बेसिकली मेरे लिए जानना था कि इसकी पुस्तकें कौन कौन सी अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाएगा कि नहीं, ये इसलिए मैंने आपसे चैट बॉक्स में पूछा कि सर कहाँ पे मिलेगा। और जो दूसरी चीजें है ना सर, टेलीपैथी के लिए, तो सॉरी बीच में इंटरप्ट मैंने कर रही थी, एक बार कंप्लीट कर लूं मैं एक लाइन में। टेलीपैथी का जो एक टाइमिंग है ना, सुबह 6 से 7, कई बार ऑफिस के लिए हस्बैंड को 8 बजे निकलना होता है, तो उस समय फिर हम लोगों को लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बना कर दिया जाता है। अगर मैं 6 से 7 बैठ जाऊंगी ना सर, तो घर में वो खाना नहीं बन पाएगा। ये था मेरे लिए चैलेंज सर। नहीं तो उसका टाइमिंग अगर, या तो मैं, मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग मिले वो मैं कर सकती हूँ, या फिर हम लोगों के पास नहीं, देखो टेलीपैथी ना वो रिकॉर्डिंग देने वाला नहीं है। टेलीपैथी आपको वहीं पर अच्छा, बैठ करके टीचर के सामने करना होगा। अगर आपका वो टाइम नहीं है तो फिर ये इसका समय का मर्यादा यही है कि सुबह सुबह ही किया जाता है और बड़ा मुश्किल है। अब 4 बजे हम 5 बजे 6 बजे कहेंगे तो फिर दूसरे लोग नहीं आ सकते, तो मैं देखा वो 6 से 7 ही है इसका समय का मर्यादा। जी सर, ये थोड़ा सा एक चैलेंज है, बट फिर भी